वाहना के जाखल में विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सूफी गायक और सांसद हंसराज हंस विशेष तौर पर या विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। वहीं टोहाना से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष बराला भी रैली में मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने कभी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं की, जबकि दूसरी पार्टियों में विरासत और हिरासत की राजनीति ही चलती आई। विरासत समझने वाले भी कुछ एहोजी लोग ने जो अपने राजकारियों में पार्टियां चलाते हैं, हिरासत चलाते हैं, जेल में बैठे हिरासत जो पार्टियां चला रहे हैं, वो विरासत भी, रियासत भी और हिरासत भी, तीनों चीजों की उन्होंने सियासत चलती है। भाइयों बहनों, असी भारतीय जनता पार्टी, असी ना रियासत अपने प्रदेश में समझ लिया, ना विरासत कोई चीज लेवे, ना हिरासत साड़ी किसी की कोई अजे होने वाली है, कोई असी कोई दंगा जहाँ गंदा काम किया ही नहीं कि साड़ी कोई हिरासत हो जाए। असी तो देश चलाना, पार्टी चलानी, राज चलानी, शराफत नाल चलानी है। ये शराफत साड़ा बोलूंगा।